मतलब ये बोल दिया कि अंजुम कौन है, फिर वो रियलाइज किया भाई अंजुम भी तो मुस्लिम है, वी आर एक्चुअली ब्रदर्स, हमारे पूर्वज एक ही थे। ये बोलने का कोई मतलब है इस ट्रैक में? इट इज लाइक वो बहुत जो डील्स चल रहा था ना कि भाई हट जा रास्ते से, अरे भाई प्यार भी से भी तो बता सकते, अरे भाई हट जा ना रास्ते से, इट इज लाइक दैट इज इट, अरे भाई मैं तो ऐसे बोल दिया तुम डील पे डील लेते हो। और गाने का नाम रख रहा है क्या बेशान, क्या बेशान इंडिया का मैप लेके आ रहा है, यूनिटी की बातें हो रही है। हेलो गाइस, व्हाट्स अप, क्या हाल चाल, कैसे हो तुम लोग, वेलकम बैक टू माय चैनल स्पेस ओपी, जहाँ पे हम लोग करते हैं डीएचएच गानों पर डिस्कस रिएक्ट बकचोदी। और अब तक तो तुम्हें मेरा नाम पता ही होगा। सही चीज है बट हम लोग अभी अभी सुन के आ रहे हैं तला अंजुम डिस्ट नेजी, एंड वहाँ पे मेरे बहुत अलग ओपिनियन होंगे सबसे, तुम जाके प्लीज चेक करो एंड वहाँ पे मुझे बताओ कि ओपिनियन तुमसे कितने मैच कर रहे हैं। अगर तुम लोग हमसे डायरेक्ट बातें करना चाहते हो तो डिस्कॉर्ड सर्वर का लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में। हाल ही में एकदम नया नवेली बना है, खुद बनाया है, इसलिए मैं प्रमोट कर रही हूं। करना उचित है क्योंकि हम लोग जुड़ सकते हैं वहाँ पे एंड बातें कर सकते हैं, अपना ओपिनियन शेयर कर सकते हैं। बट अभी ओपिनियन सुनते हैं हम नेजी का, उसका क्या ओपिनियन है डिस पे, एंड डिस का नाम है क्या बे शाने, टिपिकल मुंबई पे अखंड भारत, मतलब बिफोर द ब्रिटिशर्स डिवाइडेड इंडिया पाकिस्तान एंड बांग्लादेश, दिस इज वेरी सिली उसका इमेज है थंबनेल, दिस इज वेरी सिली मैन बॉय डेजी भाई, ये बहुत ही गंदा मूव है। एक डिस ट्रैक में पाकिस्तान इंडिया आर्टिस्ट है, तुम एक भारत का इमेज लगा रहे हो, इंडिया का इमेज लगा, कितना सेंसिबल चीज मेरे को नहीं लगा। एंड ब्रो ड्रॉप दिस ड्यूरिंग लाइक इलेक्शन के रिजल्ट्स, ये मेरे को कोई, ये ऐसे मूव्स तो तुम्हें ऐसे ही डिस करवा देंगे भाई, गाना से पहले ही लोग ऐसे ही, मतलब ये क्या चीज है भाई, जो भी है गाना सुनेगा, बहुत छोटा गाना है, 1 minute 52 seconds है, एंड वहाँ पे अंजुम का डिस था 4.5 minutes का, 4 minute 29 seconds yeah. Yeah. Hey, the pop boy. Yo, let's go. ये कैसा sound है? सत्तर से मैं बहुत खतरनाक, बचपन से इतना चालाक, भगत सिंह की राह पर गांधी जी शिवाजी महाराज मोहम्मद अली तूपाक, म्यूजिक से दुनिया में मैसेज पहुंचाने का, दिल और दिमाग पे छाने का, बदलाव लाने का, पोकट निखाने का, जिम्मेदार बना अत्याचार सहा, कभी रुका नहीं थका नहीं, तुझे असली कहानी पता नहीं, डायरेक्टर की कोई खता नहीं, बम्बई में वैसे भी जगा नहीं, मैं खुश हूँ किससे खफा नहीं, ये रिश्ता मोहब्बत का सजा नहीं, मेहनत पहले है मजा नहीं, इंडस्ट्री में बिका नहीं, कभी मुझसे कोई आर्टिस्ट लगा नहीं, तला अंजुम कौन मुझे पता नहीं, कमेंट्स पे मुझे सतानी, खौफ पे रहा कभी हंसा नहीं, मीडिया पीआर से ठक, तला अंजुम कौन अभी भी इसे नहीं पता चला है भाई, भाई ट्रस्ट मी मैं और ये इससे बेहतर लड़ते हैं, लाइक वी डिस ईच अदर बेटर देन दिस, अभी तो हम सुनना बाकी है, बट अगेन ही सेड कौन है तला अंजुम मुझे पता नहीं, ब्रो भी लाइक भाई मुझे पता नहीं है, मुझे जानना भी नहीं है, मुझे कमेंट्स में मत सताए, एंड जैसे उसने स्टार्ट किया जैसे स्टार्ट किया है भगत सिंह गांधी जी, भगत सिंह शिवाजी महाराज भाई, साउथ इंडियन वाले और शिवाजी महाराज के जो भक्त है वो तो मार डालेंगे इसको, क्यों भगत सिंह गांधी जी के साथ शिवाजी महाराज को जोड़ना है, वहाँ पे हम लोग नहीं जाते भाई, बट या मोहम्मद अली टूपाक एंड रैप के जरिए, मोहम्मद अली और टूपाक मतलब जॉनर देख रहा, मोहम्मद अली बॉक्सिंग करता था, अरे वो रेफरेंसेस शाउट आउट्स है, किस बेसिस पे, वही इस बेसिस में शाउट आउट है कि म्यूजिक को लाइक तुम देखो, फॉर आई कांट टेक दिस, ठीक है भगत सिंह फ्रीडम फाइटर, शिवाजी महाराज कितने बड़े यू नो हु ही वाज, गांधी जी मतलब उसके बाद मोहम्मद अली, उसके बाद टूपाक, ठीक है पीछे करते, पूरा पीछे करते, व्हाट इज दिस मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस गोइंग ऑन, ठीक है पीछे करते, शुरू करते हैं, हां फिर एक बार सुनते हैं क्या बोलना चाह रहा है। सत्तर से मैं बहुत खतरनाक, बचपन से इतना चालाक, भगत सिंह की राह पर गांधी जी शिवाजी महाराज मोहम्मद अली तूपाक, म्यूजिक से दुनिया में मैसेज पहुंचाने का, दिल और दिमाग पे छाने का, बदलाव लाने का, पोकट निखाने का, जिम्मेदार बना अत्याचार सहा, कभी रुका नहीं थका नहीं, तुझे असली कहानी पता नहीं, डायरेक्टर की कोई खता नहीं, बम्बई में वैसे भी जगा नहीं, मैं खुश हूँ किससे खफा नहीं, ये रिश्ता मोहब्बत का सजा नहीं, मेहनत पहले है मजा नहीं, इंडस्ट्री में बिका नहीं, कभी मुझसे कोई आर्टिस्ट लगा नहीं, तला अंजुम कौन मुझे पता नहीं, कमेंट्स पे मुझे सतानी, खौफ पे रहा कभी हंसा नहीं, मीडिया पीआर से ठसा नहीं, ऑनलाइन खोटा तपानी, पब्लिक अपनी दीवानी, गानों में दे रहे गाली, उतर रहे नंगे पन पे, मुतासिर किस कल्चर से, असर क्या औरत बच्चों पे, महफिल में इज्जत के कचरे, बची क्या इज्जत घर पे, अमरीकानी ये हिंदुस्तान,
एक पैगाम एक अवाम एक ही रब और सब इंसान, दफन इस मिट्टी में मेरे प्राण, कफन माथे पे जान कुर्बान, अकल लड़ाने का नहीं ये काम, दिल रू नफ सब इसके नाम, गूंजेगा अपना पैगाम। वेस्टर्न बन गए देसी लोग भी इंग्लिश रोल में फैशन करने लगे, यंगर लुक की ओल्डर लुक को डिसरिस्पेक्ट। ओके आई थिंक यहाँ पे बोल रहा है जो डॉगी स्टाइल या जो भी पुसी वगैरह शब्द है, जो सब वेस्टर्न वर्ड्स है, तो तुम इसका असर औरत और बच्चों पे क्या पड़ेगा, ये देसी है। गॉड ब्लेस अस ऑल वाला मूव है ये। सुन लेते हैं फिर बोलेगा, रुको ना। फुल ऐसे चलने लगे, हसल लुक क्यों फोकट लुक के एरिया छोड़ के नाद में लगने लगे, असल लुक क्यों नकल कर रहे, मकसद छोड़ के फोकट बढ़ने लगे, क्या बेशाने क्या किया तूने क्या नहीं, आपस में यू लड़ना नहीं, संभल के चल बे ज्ञानी। ब्रो सेड मकसद छोड़ के सब करने लगे। मकसद ब्रो रिमाइंडिंग धर्म पे आ गया ना बंदा धर्म पे, रिमाइंडिंग अंजुम और मकसद की, भाई हम लोग तो एक ही भाई है, मकसद मत भूल भाई, तू मेरे को क्यों फेल रहा है भाई। कुछ भी मुस्लिम है या तो उसको क्यों याद दिला रहा है मकसद, भाई मिलके तो मकसद पूरा करेंगे। देख कैसा नहीं हमारे पूर्वज जे के, नफरत से सफल कुछ होता नहीं, मुगल मराठा ब्रिटिश के बाद भी अवाम का राज क्यों होता नहीं, ये परंपरा और रीति रिवाज हम सबने मिल के बनाया, अदब तहजीब और घरेलू संस्कार एक जैसा फिर लफड़ा क्यों, प्रगतिशील बन दंगा क्यों, खून खराब लगे चंगा क्यों, हम सब एक चल मान जा तू। भाई मैं तो डिस सुनने आया था भाई, मैं तो रिप्लाई सुनने आया था, कम ऑन निजी बाउंस बैक भाई। इट इज लाइक तुम्हारे घर के बड़े बुजुर्ग बोलते हैं ना, अरे छोटा है उसे माफ कर दिया करो, तुम दोनों भाई हो, या इट इज लाइक एक साथ रहो, मकसद मत भूलो, इट इज लाइक हमारे पूर्वज एक ही, इसे हमारे पूर्वज एक ही। ये क्या था, अगर ऐसा तो मैं मैसेज देना था अपने गानों में, क्योंकि ये तो कोई डिस है नहीं पहली बार, और गाने का नाम रख रहा है क्या बेशान, क्या बेशान इंडिया का मैप लेके आ रहा है, यूनिटी की बातें हो रही है, ये एक अगर वोट के लिए निकाला जाता पॉलिटिक्स वोट इस टाइम पे ऐसी चीजें चल रही है, सिर्फ तलंजू कौन है मुझे नहीं पता, नहीं कमेंट में मुझे सदा नहीं ये दो लाइन डाल के इसने बोल दिया हाँ भाई ले लो डिस्ट्रैक्ट है, ये इसने नहीं बोला ये डिस्ट्रैक्ट है, नहीं बट रिप्लाई तो है, क्या है बहनचोद किसी को नहीं पता ये है क्या बात। एक मिनट भाई, दिस गाना इज लाइक अ ऑडियो वर्जन ऑफ व्हाट हैपेंड बिटवीन मैक्सटन एंड एल्विश, मारपीट हुआ फेल दिया फिर जाके बोल रहे भाई चलो ऑन टॉप, इट्स लाइक दैट, क्या बोल रहे हैं अंजुम को, अब ये यूनाइट हो एक साथ रहो, व्हाट इज दिस गांधी बनी ब्रो, गांधी सेट द रेफरेंस मैन, बट मकसद एंड तू हमारा मेंशन मकसद हमारा पूर्वज एक है, या एंड उसने बोला यहाँ पे सौतेला भाई है क्या, यंग बच्चा यहाँ पे बड़ों को डिसरेस्पेक्ट कर रहा है। I don't know how to feel about this song, भाई मतलब मिस्ट्रेस में मैंने नेजी का एक भी गाना नहीं सुना था and I got no respect for him right now, मतलब what is this bro? Try कर सकता था, even एक try कर सकता था, मेरा यही बात है। Took a complete U-turn, मतलब he was like कि गांधी जी ने बोला था ना तुम मुझे अगर एक मतलब थप्पड़ मारोगे मैं दूसरा गाल भी आगे बढ़ा दूँगा। He did just like that. You know what? Britishers, तुम और हमारे शरीर में खून बह रहा है, मेरे शरीर में भी खून तुम्हारे शरीर में भी खून, भाईचारा ऑन टॉप, लेट्स यूनाइट इंग्लैंड एंड इंडिया, क्या बोलूं भाई क्या हो गया भाई। मैं इसलिए तुम जगह पहला वीडियो मेरा चेक करो, इसलिए मैं बोला अंजुम ने एकदम अनवर्दी ओपोनेंट चुना है, शुडंट हैव, मुझे लगा भाई नेजी पे सिनेमा फिल्म बनी है इंडिया में तो कुछ बड़ा कुछ उखाड़ा नेजी पाएंगे नहीं, तो बट उस सीन पर क्या ही बोलूँगा मुझे नहीं पता भाई, बहन चौधरी ने क्या चुटकापा
मच गया है यहाँ पे भाई, तुम लोग बताओ क्या सीन है, एकदम गंदा एकदम। यहाँ तो बात, यहाँ जीतने हारने की तो बात ही नहीं है, कौन जीता ये क्वेश्चन ही नहीं है। अंजुम भी लाइक उसको एक फाका ग्राउंड मिला और उसने फुटबॉल को गोल मार के वो निकल गए। एंड मैं इसलिए बोल रहा था अपने पहले चैंपियंस वीडियो में इसके जब पे कि भाई अंजुम चोज टू रिप्लाई क्योंकि उसको ये किया गया, वो कर सकता है अपना ओपिनियन है, कर सकता है, ऑडियंस को भी तो मजा है। बट आई चोज कि भाई तुम्हें पता है कि नेजी नहीं सकेगा, अंजुम में लाइक लेवल सबके निकलेंगे या पर इनके तो निकले ही नहीं क्योंकि ये खड़ा ही नहीं रहा, ये तो डिस के पीछे चला है। जब तुम्हें भाईचारा ऑन टॉप करना था भाई तो तुमने नेजी का नाम क्यों लिया, इतना शाना क्यों बन रहा है? हाँ सॉरी, अंजुम का नाम क्यों लिया जा गया पॉडकास्ट में इंटरव्यू में, इतना शाना क्यों? पहले उसने बोला अंजुम, एक्चुअली मतलब ये बोल दिया कि अंजुम कौन है। हाँ। फिर वो रियलाइज किया भाई अंजुम भी तो मुस्लिम है, वी आर एक्चुअली ब्रदर्स, हमारे पूर्वज एक ही थे। ये बोलने का कोई मतलब है डिस्ट्रैक्ट में, इट इज लाइक वो बहुत जो डील्स चल रहा था ना कि भाई हट जा रास्ते से, अरे भाई प्यार में से भी तो बता सकते, अरे भाई हट जा ना रास्ते से, दैट इज इट, अरे भाई मैं तो ऐसे बोल दिया, तुम डील पे क्यों रहते हो? मुझे सता नहीं, कौन इतना रहा इन कमेंट्स में, सता नहीं। इट इज लाइक कि भाई वन साइडेड आशिक वाला बिहेवियर कि उसे अंजुम को बस अटेंशन चाहिए था, मिल गया, अब मुझे मत सताओ क्योंकि मुझे दिल पे बुरा लगता है, हैं क्योंकि मैं नेजी हूं, मैं यूनुस नहीं हूं और मैं अंजुम के साथ सारा दिन हैंग आउट नहीं कर सकता। तो कुछ हम डिप्रेशन में आ गए क्या टट्टी, क्या हो गया दिमाग का तो भोसला हो गया भाई, क्या सुनने आए थे क्या हो गया? चलो कोई दिक्कत नहीं भाई, तुम लोग बताओ क्या ही बताओगे, तुम लोग भी लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, डिस्कॉर्ड ज्वाइन करो, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी, बस लेट्स गो।